भाइयों और बहनों, हमारे देश के हेल्थ सेक्टर की जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि भारत में अगर किसी के इलाज पर 100 रुपये खर्च हो रहे हैं तो उसमें 60 रुपये से ज्यादा बोझ उस परिवार और उस व्यक्ति पर आता है। उसने जो बचा बचाया है वो सारा बीमारी में बह जाता है। कमाई का ज्यादातर हिस्सा ऐसे ही खर्च होने के कारण हर साल लाखों लोग गरीबी से बाहर निकलने की कगार पर होते हैं, लेकिन एक बीमारी फिर एक बार उनको गरीबी में वापस ले जाती है। इसी हालत को बदलने के लिए हमने ये बीड़ा उठाया। जब तक आपको हम लोगों पर भरोसा है, हम सेवा करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार भले ही गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के दावे कर रहा हो, लेकिन जिला मुख्यालय भागलपुर से 25 किलोमीटर दूर कहलगांव अनुमंडल के एकचारी रसलपुर गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सरकार के दावों की पोल खोल रहा है। एकचारी स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण से ही ताला लगा हुआ है और लोगों के उपचार के लिए बनाए गए स्वास्थ्य केंद्र को आज खुद उपचार की जरूरत है। प्रदेश सरकार गांवों में बेहतर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराने स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण तो करा दिया, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के कारण वर्षों से एकचारी स्वास्थ्य केंद्र मवेशियों का ठिकाना बना है। गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए दूर दराज भटकना पड़ रहा है। लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर हैं। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों की लागत से बनी सरकारी बिल्डिंग बदहाली के आंसू बहा रही है और आम जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया, हमारे आसपास दायरे में दूसरी कोई चिकित्सा सुविधा नहीं है। पिछले वर्ष मौसमी बीमारी से सैकड़ों बच्चों की मौत हो गई। इसमें कई ऐसे बच्चे थे जिन्हें प्राथमिक उपचार नहीं मिलने की वजह से शहर का रास्ता देखना पड़ा, जिसकी वजह से रास्ते में मौत हो गई। 25 साल बोला, लेकिन 25 साल से ऊपर तक मत बंद हुई है। दवाई मांगने भी आता है तो कहता है क्या दवा है ये न है तो देंगे कहाँ से? कौन कहता है? नर्स कभी काल आता है, कभी काल मांगे रखता है तो कहता है कि दवाई ये वाला दवा है ये न है, दर्द को भी नहीं होता है तो भारी बीमारी क्या देखेगा। इलाज कराने के लिए कहाँ जाते हैं? इलाज कराने जेकरा पैसा है तो मैं कहीं से बचा ले छे, भागलपुर पटना दिल्ली, आ जेकरा पैसा नहीं छे तू जेते जेते रास्ता में खटा। एकचारी स्वास्थ्य केंद्र की अनदेखी के चलते अब यह बदहाली का शिकार हो रहा है। स्वास्थ्य केंद्र परिसर आवारा पशुओं का शरण स्थली बन गया है। दिन भर चार दीवारी के अंदर आवारा पशुओं का जामबाड़ा नजर आता है। मुजफ्फरपुर में अब तक चमकी बुखार से 132 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद सरकार की लापरवाही बार बार सामने आ रही है। कहलगांव से बालकृष्ण की रिपोर्ट।